बुरहानपुर जिले के वन क्षेत्रों में हो रही अंधाधुंध वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए वन विभाग और कई लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। इसी के चलते ग्राम नावरा में सीसीएफ पहुंचे और कटे हुए वनों का जायजा लिया। बुरहानपुर जिले में इन दिनों लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद है, जिसके चलते हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। जब भी वन अमला इस अवैध वन कटाई को रोकने पहुँचता है तो वन माफियाओं में वन विभाग की टीम पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। ग्रामीण भी इस वन कटाई पर रोक लगाने के लिए काफी प्रयास करते हैं, किंतु वन कटाई करने वाले जानलेवा हमला करते हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल होता है। वहीं दो दिन पूर्व भी ग्राम नावरा में वन विभाग पर हुए हमले के बाद खंडवा सीसीएफ ने नावरा के जंगलों के निरीक्षण किया और यहां के कटे हुए वनों का जायजा लिया। वहीं दौरे के दौरान वन विभाग के अमले को ग्रामीणों ने रोककर वन कटाई पर रोक लगाने की मांग की। वन विभाग के हमले को इसलिए रोका हमने कि ये जंगल लगातार अतिक्रमण हो रहा है, कई दिनों से कट रहा है। इसमें वन विभाग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा नहीं रहा है। क्या मांगे आपके आगे? अगर ये अतिक्रमणकारी जो बाहर से आ रहे हैं, ये अगर ऐसे ही काटते रहे तो हमारे गांव वाले की अपेक्षा ये है कि हम भी ये छोटी मोटी झुंडियाँ काटेंगे, हमारी बंधारे बनाएंगे और इसमें पेड़ पौधे फलदार ऐसे लगाएंगे जो लोगों के भविष्य में काम आए और इससे सभी को फायदा होगा। बुरहानपुर से रफीक अंसारी की रिपोर्ट।